तो स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे हमारे पुराने स्मार्टफोन को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पुराना स्मार्टफोन है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और फ़ोन हैंग कर रहा है, फ़ोन बहुत लैग कर रहा है, सो आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। सो मैं कुछ टिप्स बताऊँगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपका फ़ोन डेफिनेटली फर्स्ट हो जाएगा पहले के मुकाबले। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड हर एक टिप को फॉलो कीजिए। तो जो जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे टिप्स मैंने खुद ट्राई किया है और उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो वो सारे टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो काम आपको करना होगा, आपके फ़ोन में जो जो फिजूल के ऐप्स है उन सारे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो स्मार्टफोन हैंग करने का सबसे मेन जो कारण है वो है फ़ोन के अंदर ज़्यादा ऐप्स। तो वो क्या करता है कि ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल होने की वजह से आपके फ़ोन का जो रैम और प्रोसेसर है उतना लोड नहीं ले पाता है, इसलिए आपका फ़ोन पहले के मुकाबले स्लो हो जाता है। सो फिजूल का जो ऐप्स है सारे ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो अगर आपके पास 4-5 साल पुराना स्मार्टफोन है तो उस टाइम फ़ोन का जो स्टोरेज होता था 8GB, 16GB, 32GB, आप मिनिमम आपके पास जो पुराना स्मार्टफोन है उस फ़ोन का स्टोरेज तो मिनिमम 4GB क्लीन रखिए, मिनिमम 4GB, क्योंकि स्मार्टफोन का जो स्पीड रहता है वो फ़ोन की मेमोरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पुराना वाला जो स्मार्टफोन है स्मार्टफोन का मेमोरी आप लगभग 4GB तक क्लीन रखिए। अगर आप अपने पुराने फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो तो मेमोरी कार्ड को यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेमोरी कार्ड यूज़ करने से भी आपका स्मार्टफोन स्लो होता है। अगर आप मिनिमम क्लास 10 का जो मेमोरी कार्ड होता है वो यूज़ करते हो तो सही बात है, वरना आप मेमोरी कार्ड यूज़ मत कीजिए। तो बहुत टाइप का मेमोरी कार्ड होता है, तो आप अपने फ़ोन का जो मेमोरी कार्ड है वो चेक कीजिए कि कौन से क्लास का है। तो मेमोरी कार्ड के ऊपर ही लिखा आपको देखने को मिलेगा कि क्लास 4 या क्लास 6 और क्लास 10। तो अगर आपके फ़ोन में मिनिमम क्लास 10 का मेमोरी कार्ड है तो ही फ़ोन में मेमोरी कार्ड को यूज़ कीजिए, वरना मेमोरी कार्ड को रिमूव करके रखिए। तो अब मैं जो टिप के बारे में बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट एप्लीकेशन हैं जो सारे एप्लीकेशन आप कभी भी यूज़ नहीं करते और उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? तो सिंपली आप सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद ऐप में जाओ और वहाँ पर से शॉर्टलिस्ट करो सिस्टम एप्लीकेशन, और जो जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो उन सारे एप्लीकेशन में एक एक करके जाओ और फोर स्टॉप पड़ो, उसके बाद डिसेबल कर दो। तो ये चीज़ करने के बाद आपका स्मार्टफोन पहले से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी मेमोरी क्लीनर एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वो सारे एप्लीकेशन को यूज़ मत कीजिए, तो ये सारे एप्लीकेशन कोई काम का ही नहीं है। विंडोज़ एनिमेशन, तो हम सभी तो स्मार्टफोन में एनिमेशन को बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन आपका स्मार्टफोन पुराना है तो उस स्मार्टफोन में एनिमेशन को आप डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि एनिमेशन को डिसेबल करने से आपका स्मार्टफोन पहले से थोड़ा सा फास्ट काम करता है। तो एनिमेशन को डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो एनिमेशन को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑन करना होगा डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करना बहुत ही ईजी है। तो आप फ़ोन के सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाओ, अबाउट फोन में जाने के बाद तो वहाँ पे एक बिल्ड नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा, तो बिल्ड नंबर पे 3 से 4 बार टैप करो तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद आप जाइए डेवलपर ऑप्शन में और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और नीचे आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ एनिमेशन स्केल। तो विंडोज़ एनिमेशन स्केल को आप ऐसे ही बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे और एक सेटिंग आपको मिल जाएगा, तो ये सेटिंग बहुत ही काम का, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हो तो आपका स्मार्टफोन पहले के मुकाबले फास्ट होगा ही होगा। तो डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगा 4MXAA, तो इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो आपका फ़ोन पहले से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो मैंने जो सारे टिप्स बताए हैं अगर उस टिप को आप फॉलो करते हो तो आपका पुराना स्मार्टफोन ज़रूर फर्स्ट हो जाएगा। तो वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।